हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस, बज चुके हैं शाम के 7:30। अब अभी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि शाम को ही कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बतानी है और शेयर भी करना है, क्योंकि मैंने शो डाला था तो उसमें मैंने बता दिया था यूट्यूब की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, तो और आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो वो होना नामुमकिन था, मतलब हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, फिर से एक बार थैंक यू सो मच, लाख लाख धन्यवाद गाइस। तो गाइज, खुशखबरी तो मैं आप लोगों से शेयर करने ही वाली हूँ, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों ने जो गेस्ट किया था कि क्या खुशखबरी है, तो सिल्वर बटन का था सबका, है ना? सिल्वर बटन आ गया है ना, आ गया हो गया, सिल्वर बटन का ही था। लेकिन ये खुशखबरी आपकी गलत है, सिल्वर बटन का नहीं है। सिल्वर बटन अभी तक नहीं आया, क्योंकि सिल्वर बटन आने में टाइम लगता है गाइस। सिल्वर बटन तो अभी आया नहीं है, और आप अगर गेस्ट कर सकते हो तो फिर चलो कोई नहीं, मैं बता ही देती हूँ। तो गाइस, आज तो मैं सिर्फ आप लोगों से बातें करने वाली हूँ, और थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन गाइज, एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैंने बहुत कुछ झेला है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ, सोच भी नहीं सकते हो आप। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि जब इंसान परेशान रहता है अपनी लाइफ में और वो खुशी के बारे में सोचता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में कभी खुशी आएगी, कभी नहीं सोचता है। वैसे मुझे दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे को कभी कोई कमी रहने ही नहीं दी इन्होंने, कभी नहीं। लेकिन मुझे कुछ करना था इनके लिए, मुझे कुछ करना था गाइस, इसलिए जो है मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। और मुझे ऐसे लगता था कि मैं कर सकती हूँ, नहीं पता, लेकिन मैं यही सोच के क्या पता अगर मतलब हो जाए, क्या पता भगवान सुन ले। कि मिडिल क्लास फैमिली है गाइस, पता आप लोग देख रहे हो, लोग देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। तो गाइस, मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सपना होता है, बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे से अच्छी स्कूल में जाएं और अच्छा अच्छा खाना पीना करें। तो बस ये एक मेरी सोच थी, मेरे हस्बैंड के लिए भी मुझे बहुत मतलब मैं कुछ कर पाऊँ इनके लिए, वो मेरे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे गरीबी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए, बस ये चाहिए था मुझे शुरू से। और आज भगवान ने जो दिया है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। क्या करूँ क्या बताऊँ, मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस। और अब आएंगे यूट्यूब से पैसे, पैसे आएंगे ना गाइस, पैसे आएंगे, ये देखिए। गूगल एडसेंस पिन आ गया है मेरा, खुशी की बात है ना। सब रॉन्ग थे, सब रॉन्ग, सिल्वर बटन प्ले बटन नहीं आया मेरा, इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया, मेन चीज तो यही है। अब आएंगे यूट्यूब से। और गाइज, मैं तो ये चाहती हूँ कि हर न्यू क्रिएटर को आप सपोर्ट करिए गाइज, कौन क्या जाने किस स्थिति में वो यूट्यूब पे आया है। यूट्यूब पे आना आसान बात नहीं है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बहुत तकलीफ भी होती है। लोग बिना कुछ सोचे समझे कमेंट कर देते हैं किसी की बहू बेटी पे, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा।
लेकिन मैं नहीं देखती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं सोचती जैसा जो इंसान है वो कमेंट के थ्रू अपना व्यक्तित्व तो दर्शाता है, कमेंट के थ्रू कि वो कैसा इंसान है, तो मैं सोचती हूँ ऐसी परवरिश है। वैसे ही बेचारे वो ऐसी औलाद तो भगवान किसी को ना ही दे। नहीं तो गाइस ये है मेरा पिन, खुशी की बात है ना, बहुत खुश हुआ इसमें। आप लोगों के बगैर कुछ नहीं होता, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच गाइस, लाख लाख धन्यवाद। अब जो भी जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी गाइस पक्का, क्योंकि आप लोगों से शेयर करना तो बनता है। और मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब बहुत ज़्यादा समझ लो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब आग में मेरे आंसू भी आ रहे हैं मुझे खुशी के बारे, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। वैसे ना मेरा रोना तुरंत आ जाता है मुझे रोना, लेकिन फिर भी मैं रोऊंगी नहीं गाइस, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच गाइज, कितना थैंक यू करूँ मैं आप लोगों का। पर एक रिक्वेस्ट है गाइज, आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और न्यू क्रिएटर को आप प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइज, जिसको ज़रूरत है आप प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए प्लीज। मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करिए। जो हम कर सकते हैं किसी के लिए वो हम क्यों नहीं कर सकते, जो हम कर सकते वो तो कर सकते हैं, जो हमारे बस का नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं वो तो, है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करिएगा, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइज, भगवान का धन्यवाद करती हूँ, आपका भी धन्यवाद करती हूँ साथ में, और वीडियो का भी एंड करती हूँ यही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करिएगा, फुल सपोर्ट चाहिए मुझे आपका, फुल सपोर्ट गाइज, यहाँ तक लेके आए हो आगे भी लेके जाना होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, गलत कमेंट मत करिए गाइज, बहुत तकलीफ होती है मुझे देख के, ठीक है। आप किसी को बेवजह तकलीफ मत दीजिए गाइज, क्या मिलता है ये सब करने से, कुछ मिलता है नहीं मिलता है ना, क्यों अपने कर्म खराब करते हो, उसको रिटर्न मिलता है। अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तो हमें तकलीफ़ देने वाला कोई है दुनिया में, वो देगा हमें तकलीफ, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये तो नियति का नियम है। तो प्लीज़ आप मत दीजिए कोई को तकलीफ, क्या मिलता है ये सब करने से, कुछ नहीं मिलता है, खुद का नुकसान कर रहे हो आप। मेरे को आप तकलीफ़ देके क्या बिगाड़ लेंगे, जब तक वो मेरे साथ है तब तक मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी, आप जैसे लोगों के साथ तो वो रह ही नहीं सकता। गलत जो तकलीफ़ देने के लिए पैदा हुआ इंसान, उसके साथ भगवान कैसे रह सकता है। कभी अपनी ज़िंदगी में झांक के देखिए कि क्या सुख है आपकी लाइफ में, जब आप गलत कमेंट करते हो, किसी को बेवजह तकलीफ़ देते हो, जब आप कमेंट करके तकलीफ़ देते हो तो आप रियल लाइफ में कैसे होंगे। तो वैसे आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, हर हर महादेव, राधे राधे, ख्याल रखिए अपना, बाय। लाइक करना वीडियो पे, ठीक है मम्मी।